पशुओं से त्रस्त किसानों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उसका खामियाजा मासूम बच्चों और मरीजों को उठाना पड़ा। आवारा पशुओं से भरे परिसर की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक अलीगढ़ का स्कूल है। जी हाँ, कुछ देर पहले यहाँ मासूम बच्चे रोज की तरह पढ़ने आए थे, लेकिन उग्र किसानों ने स्कूल के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका दिया और बच्चों को अंदर घुसने भी नहीं दिया। ये सिलसिला 4 दिनों से जारी है। सब तरफ से स्कूल बंद है। क्या हो रहा है स्कूल में? सारे में पशु में भरे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ स्कूल में आज बच्चे आए थे? आए थे। क्या क्या बच्चों को भगा दिए गाँव वालों ने बच्चे? इतना ही नहीं, इन लोगों ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ भी आवारा जानवरों को ठूस दिया गया। ऐसे में मरीजों को कैसी दिक्कतों से दो चार होना पड़ा होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है जिससे आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल सके। ये जो आवारा पशुओं की समस्या है उसको लेकर के सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ सरकारी गौशाला भी बन रही है, नगर निगम से भी गौशाला प्रस्तावित है, मनरेगा से भी हम लोग कुछ चरागाहों को बना रहे हैं। आवारा पशुओं की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। ये पशु उनकी फसलें खराब कर देते हैं जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। माना किसान परेशान है, लेकिन गुस्से में आकर इस तरह का कदम उठाना आखिर कितना सही है।